हमारे एरियाज में जो हम जहाँ रहते हम पहली लड़कियाँ थी जो हम मतलब हमने कोई ऐसा स्टेप लिया था जो हम गेम खेलने जाती थी, हम प्रॉपर अबाया फुल हमने मुंह छुपाया होता था, लेकिन उनको रैकेट्स नज़र आते थे तो वो कोई कहता था आओ ना खेलते, ये बस कम डिफरेंट कमेंट्स होते थे। मेरा नाम सोहरा अब्दुल्ला है और मैं KPK पिशावर में अंडर 19 की प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर हूँ। मेरा नाम उमे कुलसुम है, मैं KPK स्क्वैश प्लेयर हूँ और मैं अभी अंडर 19 खेल रही हूँ, मैं KPK नंबर 4 हूँ। हमारा जो पख्तून कल्चर है और जो हमारा क्योंकि इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसमें फीमेल्स हैं ना, इनके सर्कल्स होते हैं, इनकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। मेरे साथ अम्मी गई, अम्मी ने देखे कि ये गेम है फला गेम है, तो अम्मी को सबसे बेहतरीन हमारे लिए स्क्वाश लगा। स्क्वाश इसलिए अम्मी ने चूज़ किया क्योंकि वो इंडोर गेम है, वो एक सेफ गेम है। मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरी अम्मी की इतनी एजुकेशन नहीं थी कि वो जॉब करती और हमें सपोर्ट करती, तो उनको जो आता था वो सिलाई थी, तो उन्होंने वो करके हमें ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि हमारे गेम के एक्सपेंसिव उन्होंने जो है वो बेयर किए, वो उठाए। तो वो चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि जो उन्होंने किया वो हमें ना करना पड़े। स्टार्ट में हमारे पास ना शूज थे ना रैकेट था, हम बच्चियों से रैकेट वगैरह लेके हमने खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ, जब टूर्नामेंट हुआ सर कमर जमान साहब आए, फिर उन्होंने हमें देखा हम अच्छा खेल रहे, उन्होंने फिर हमें रैकेट्स दिए। वो दिन खुशी का दिन था कि हमें अपने फर्स्ट रैकेट्स मिले, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। आपकी जो मुश्किलात होती है वो आपके घर के दरवाजे से शुरू होकर आपके स्क्वैश कोर्ट के दरवाजे तक आपके साथ होती है। सबसे पहले आपको अपने फैमिली को रजीवत करना पड़ता है, फिर आप स्क्वैश कोर्ट तक जाती है तो ज़ाहिर है आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं, वहाँ से उनका रवैया आपको सहना पड़ता है, फिर आप वहाँ पे कोर्ट पे जाते हैं, वहाँ आपको सारे मेल्स मिलते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में बहुत कम है एक फीमेल्स के लिए कि वो फीमेल को एज अ प्रोफेशनल एक्सेप्ट करे, वो इस बात को माने कि इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्काफ में आपको साइड से ही नहीं दिखते, हमें पूरे कोर्ट को कवर करना होता है, हमें भागना होता है, आगे पीछे पीछे देखना होता है, आगे देखना होता है, तो हमें साइडों से काफ़ी मसला होता था। तो हमें सब कहते हैं कि नहीं बस उतार दो, इसके साथ नहीं हो सकता, इस आप नहीं खेल सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस पर कायम रहे क्योंकि जब बंदा चाहता है तो अल्लाह ताला फिर साथ देता है। हमारे टूर्नामेंट्स में इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि आपको इतना कैश प्राइज़ मिले कि आप उसमें वो कवर कर सको जो आपने खर्च किया है। दूसरी बात ये कि मैचेस अभी फ़िलहाल कम हो रहे हैं क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे, आगे जो डिपार्टमेंट के साथ प्लेयर्स है वो भी बहुत कम ले रहे हैं, 2-3 प्लेयर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के पास, तो जो बाकी लड़कियां रह जाती है वो सारे उन पर खुद ही अपना बर्डन उठाती है, जैसे कि हम खुद उठाते हैं। आज सुबह भी हम एक नाश्ते के लिए एक जगह पर गए, हमने उनका मेन्यू देखा, इतना सारा एक्सपेंसिव था, हमने कहा चलो उठो यहाँ से तो चलते हैं। हमारे स्क्वैश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनमें है टैलेंट, जिनमें है वो मतलब वो आगे जा सकते हैं, लेकिन उनका क्या मसला है कि उनको वो फाइनेंशियली वीक है, वो कोच अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ये उठे और ये ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, ऐसे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करें, तो इससे आपके माल में कुछ नहीं होगा, ये सदका जारिया है, ये आपके मरने के बाद भी वो आपके अल्लाह ताला वो नेकी आपके लिखेगा आपके पीछे। आप सोच नहीं सकते कि मेरी एक औरत कितनी मजबूत हो सकती है। मैं अपनी अम्मी को जब आज भी देखती हूँ ना, अब वो ज़ाहिर है कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी हड्डियाँ और गोश्त दोनों हमारे लिए जो है वो ख़त्म कर दी। सारा दिन उनका हमारे लिए खाना बनाने के अलावा वो सारा दिन सिलाई में लगी रहती थी क्योंकि उनको एक खर्चा नहीं हमारे दो खर्चे उठाने पड़ते थे। तो मैं ऐसी सारी माओं को, मेरी माँ के अलावा जो भी ऐसी है जो अपनी बच्चियों के साथ उनको इतना मजबूत बना रही है और उनको आगे बढ़ा रही है, मेरी तरफ से उनको सलाम है। और मैं ख़ुद भी एक ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सारी औरतों के लिए रास्ता हमवार करे जो इसी तरह किसी मुश्किल सफ़र पर निकली हुई है।